फोड़ते अंडा और देखते हैं क्या होता है। हेलो दोस्तों, राम राम। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम आए हैं आज, एक गांव है, बहुत ही अच्छा गांव है, मगर इस गांव में एक कुआँ है, आप देख सकते हैं। इस कुएँ पे लोग 6 बजे के बाद, शाम 6 बजे से इधर का रास्ता छोड़ देते हैं, इधर आना जाना उन सब लोगों का बंद हो जाता है। तो मैंने जैसा कि बोला था, इस कुएँ पे एक टोटका करने वाले हैं आज रात को हम, और गांव है इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। और मेरे पास वो अंडा है और इस अंडे को हम यहाँ पर तोड़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने उस किताब में भी पढ़ा था कि मीट, मांस, अंडा, ऐसे मतलब इत्यादि चीज़ें हैं जो कि भूत प्रेत को, शैतान को बुलाने के लिए काफ़ी है। तो हम देखेंगे कि क्या ऐसा सच में है कि इस पे तोड़ने से जो भी है। इसमें बताते हैं लोग, 3 औरतें और 3 आदमी इस कुएं में कूद के आज तक जान दे चुके हैं। इसी गांव के लोग थे, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ठेस पहुँच सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर हवा भी चलनी शुरू हो गई है और क्या नाम से इधर आ गए, दोस्तों ये वही कुआं है और देख सकते हैं आप, आ रहा होगा तो पूरा एकदम कचरा ही है क्योंकि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। अच्छे से इसको मतलब छोड़ दिया गया है, इसका उपयोग नहीं करते और 6 बजे के बाद यहाँ पर कोई नज़र नहीं आता है। तो ये हमारे हाथ में अंडा है, आप देख सकते हैं हवाएं तेज हो रही हैं और मैं थोड़ा दूर भी हो जाता हूँ, शायद मुझे खींच ना ले, तो अगर होगा तो दोस्तों अंडा फोड़ना तो हम अभी यूँ चाहे फोड़ दें मगर नहीं। आपको भी जैसा पता है, उस किताब में लिखा गया है, हर टोटके का एक मंत्र लिखा गया है जिसका जाप करना है। इस एक मंत्र है अंडा फोड़ने से पहले का भी, तो 9 बार मंत्र का जाप करना है। मैं 9 बार उसको हम जाप करूँगा, उसके बाद इस अंडे को फोड़ूँगा। और चूड़ियों की आवाज़ आई भी, कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे हलचल जो है वो थोड़ा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई है यहाँ पर, मगर दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ये अंडा हम फोड़ेंगे तो सूखा भी निकल सकता है, शायद इसका कलर चेंज हो जाए, अभी तो भारी है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो ये अंडा अगर यहाँ पर बुरी शक्ति होगी तो अंडा सूखा निकल सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है, जैसे कि इसका कलर काला निकले, पीले की जगह काला निकल जाए, सफ़ेद मतलब लाल, हरा, जो भी कलर इसका डिफेक्ट हो सकता है, क्योंकि उस किताब में लिखा गया था। और मैं उस मंत्र को जाप करता हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा ना अंदर से यहाँ पर डर लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा अंदर से सहमा हुआ हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ और 9 बार उस मंत्र का जाप करूँगा, उसके बाद इस अंडे को फोड़ूँगा। तब तक भाई कुछ भी होता है अगर इधर आसपास, तो उसको तू कैच कर लियो क्योंकि, और दोस्तों जैसा कि सब कुछ छोड़िए पहले, तो दोस्तों हम शुरू करते हैं और 9 बार जाप करता हूँ। तो दोस्तों पहले चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि यार इतना रिस्क लेते हैं रात को, और आपको टाइम दिखाना तो मैं भूल गया, मैं आप लोगों को टाइम बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं टाइम यार इसमें बज रहा है, इसमें 11:35 हो गया है, आधे घंटे में आधी रात होने वाली है और मौसम बहुत ही बिगड़ रहा है, बारिश का भी मौसम होता जा रहा है। और साथ तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, मैं उस मंत्र का जाप करता हूँ। हमारे साथ, मेरे भाई के साथ कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ना हलचल महसूस होती जा रही है और डर अंदर से बन रहा है,
मैं उस मंत्र का जाप करना शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं फिर अंडा फोड़ते हैं क्या होता है। अबे भाई है, अबे कोई है, अबे छोड़ो, अबे यार भारी हो गए भाई। दोस्तों जिस हिसाब से आपने बताया गया था उस किताब में कि अगर कुछ होगा तो आपका सर भारी होने लगे, चक्कर आएगा, वैसा ही जस्ट थोड़ा मारा है मेरे साथ। काफी ज्यादा सर दर्द होने लग गया है और मैंने उस मंत्र का जो जाप था ऊपर लिया है, कुछ होना जाए मेरे साथ। सर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं संडे को जल्दी से फोड़ूंगा क्योंकि अब एक मिनट भी रुकना। ओ तेरी, अबे यार दोस्तों हम संडे को फोड़ने जा रहे हैं क्योंकि अब उतना दवाई लेने जाना पड़ेगा, सर बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगर यहाँ पर कुछ भी बुरी शक्ति हो सकती है तो अंडा सूखा निकलेगा अंदर से या तो इसका कलर चेंज निकलेगा, तो भाई एक बार इस पर जूम कर। और हम दोस्तों इस पर नहीं फोड़ेंगे क्योंकि कहते ना कि ज़्यादा हो जाएगा, आत्मा को किसी की ठेस पहुंच सकती है अगर होगी तो, अन्यथा नहीं। तो फोड़ते अंडा और देखते हैं क्या होता है। एक दो कुछ हुआ इसका मतलब यहाँ पर अंडे को लिख ये देख सकते हैं दोस्त, एकदम पीला अंडा है, बिल्कुल फ्रेश है। और यहाँ पर कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जिससे हमको लगे कि कुछ यहाँ पर बुरी शक्ति है। और मुझके लगता है जो लोग कूदे भी हैं वो लोग अपने स्थान पे हैं, जा भी हैं, क्योंकि अगर होते तो कुछ होता ज़रूर। हाँ थोड़ा मेरा सर भारी हुआ और चक्कर आया थोड़ा सा, अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और बस दोस्तों तो आपने देखा जो भी था उस किताब में, और जो भी लोग कहते हैं कि रात के टाइम अंडा फोड़ना कुएँ पे, तो जो भी वगैरह वगैरह सब बातें वो कहानियों में ही अच्छी लगती हैं। ऐसा थोड़े कुत्ते भौंक रहे हैं दूर से, शायद हमें देख रहे हो तब भौंक रहे हैं कि रात में क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और बाकी कुछ नहीं था इसमें, बस दोस्तों तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम। मगर दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार और लाइक कर दिया करो। जय हिंद जय भारत।